पात माफिया का पाताल लोक डीकोड, ऑपरेशन मटिया मेट की चोट। प्रयागराज हत्याकांड के बाद माफिया अतीक अहमद का गैंग दहशत में है, क्योंकि पुलिस ने जिस तरह से आज आरोपी उस्मान का एनकाउंटर किया, उसे देखकर अतीक की बहन के आंसू निकल गए। अब आलम यह हो चुका है कि अतीक की बहन अपने भाई के लिए रहम की भीख मांग रही है, लेकिन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने यह कह दिया है कि अपराधी पाताल लोक में ही क्यों ना छिपे हों, सबको खोज कर निकाला जाएगा। माफिया का पाताल लोक खाकी का ऑपरेशन मिट्टी ऑन। अरबाज के बाद उस्मान एनकाउंटर से अतीक गैंग में तूफान। उमेश पाल हत्याकांड के बाद खाकी का एक्शन लगातार जारी है, क्योंकि पहले पुलिस ने अरबाज को एनकाउंटर में ढेर किया और अब पुलिस ने एक और आरोपी उस्मान छर्रा को ढेर कर दिया है। बताया जा रहा कि उस्मान ने ही उमेश पाल को पहली गोली मारी थी। इस शूटआउट में शामिल उस्मान, जो कि कौड़ियारा थाने का प्रयागराज का रहने वाला था, वह उसी थाना क्षेत्र में एक साहसिक मुठभेड़ में घायल हुआ। इस दौरान हमारा एक आरक्षी नरेंद्र, वो भी घायल हुआ है। घायल उस्मान को अस्पताल शिफ्ट किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हुई। उस्मान पर 50,000 रुपए का इनाम था। हालांकि पहले सीसीटीवी फुटेज से उस्मान की पहचान नहीं हो पाई थी, उसका नाम अज्ञात था, लेकिन जब पुलिस ने शिकंजा कसा तो उस्मान का नाम सामने आया और फिर पुलिस ने प्रयागराज हत्याकांड के 12वें दिन उसे एनकाउंटर में ढेर कर दिया। योगी सरकार आज निश्चित रूप से अपराधियों को मिट्टी में मिलाने का काम कर रही है। इससे उत्तर प्रदेश की जनता में, सामान्य जनता में खुशी की लहर दौड़ी है कि उत्तर प्रदेश में अब कानून का राज्य स्थापित है। पुलिस का दावा है कि उमेश पाल शूटआउट केस में आज मुठभेड़ में मारे गए उस्मान ने ही सबसे पहली गोली चलाई थी। उमेश पाल जैसे ही कार से उतरे थे, उन्हें सबसे पहली गोली उस्मान ने मारी थी। सीसीटीवी फुटेज में भी उसका चेहरा साफ तौर पर नजर आ रहा है। वारदात के वक्त उसने हाफ जैकेट पहन रखा था। खाकी के एक्शन के बाद सरकार भी एक्शन में आ गई है, क्योंकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक एक अपराधी को पाताल से खोजकर सजा देने की बात कह दी। जहां कहीं भी छुपे हैं वो पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करें, इसी में उनकी भलाई भी है। और पुलिस पर गोली चलाएंगे तो पुलिस उन पर फूल तो नहीं बरसाएगी। यह जो सूचना लगातार जो आप सबके माध्यम से मिलती रहती है कि कोई प्रदेश छोड़ के भाग गया, कोई देश छोड़ के भाग गया, कोई जिला छोड़ के भाग गया, वो जहाँ भी छिपे होंगे, मुझे भरोसा है उत्तर प्रदेश की पुलिस पर उसे खोज निकालेंगे, पकड़ कर लाएंगे और कानून के अनुसार उनको कठोर से कठोर सजा दिलाएंगे। एक और अपराधी मारा गया है। अपराधी कितने दुर्दांत हैं कि पुलिस पर भी हमला करने से बाज नहीं आ रहे हैं। हत्याकांड में एक एक अपराधी को हम पकड़ेंगे, कड़ी से कड़ी सजा देंगे कानून के तहत। इसके लिए पुलिस और एसटीएफ लगातार काम कर रही है। हथियारों की पूजा आरती उत्तर प्रदेश पुलिस नहीं उतारेगी। उत्तर प्रदेश की पुलिस पर आप गोली चलाओगे, उत्तर प्रदेश की पुलिस आपको काउंटर में छाती पर गोली मार के आपको गिराएगी। उमेश पाल शूटआउट केस को लेकर योगी सरकार लगातार एक्शन में है। उस्मान के एनकाउंटर के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि अगर बाकी बचे अपराधी पाताल लोक में होंगे तो उन्हें वहां से भी खोज निकाला जाएगा, यानी माफिया के साथ ही उसके मददगारों को भी मिट्टी में मिलाया जाएगा। पुलिस के एक्शन और सरकार की चेतावनी से माफिया अतीक का परिवार दहशत में आ गया। अतीक की बहन को अपने भाई और भतीजों की फिक्र सताने लगी। सर, हमको टॉर्चर यही किया गया कि तुम्हारे भाई बचेंगे नहीं, एनकाउंटर कर दिए जाएंगे। पूरे दावे से वो लोग हमसे बोल रहे थे, अमिताभ यश जी और ये श्री। सर, हम कैसे रह सकते हैं? हमारे बच्चे, हमारा घर परिवार एक तरफ, हमें अपने भाइयों की जान की चिंता है। सर, इन सब के बीच एक सवाल इस बात का है कि आखिर पुलिस प्रयागराज हत्याकांड के इतने दिन बीतने के बाद भी उमेश पाल के एक एक हत्यारे को गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाई, क्योंकि इसको लेकर राजनीति भी खूब गर्म है। और सवाल इस बात का कि आखिर पुलिस को उमेश पाल के हत्यारों को पकड़ने में और कितने दिन लगेंगे। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा। तो देखा आपने, यूपी में लगातार अपराधियों के खिलाफ कानून का हंटर चल रहा है। कितनी कार्रवाई हुई, कितनी गिरफ्तारी हुई, कितनी संपत्ति को नुकसान पहुंचा, इसका पूरा चिट्ठा एबीपी गंगा ने आपके लिए तैयार किया है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि माफिया गैंग पर कितनी कार्रवाई हुई है। 144 और साथ ही 14 गिरफ्तारी इस पूरे मामले में। हिस्ट्री शीट खोलने की कार्रवाई हुई है कुल 22। गुंडा एक्ट के तहत जो कार्रवाई हुई है, देखिए 14
शस्त्र लाइसेंस कितने रद्द किए गए? 68। और इसी के साथ ही दो को जिला बदर किया गया। गैंगस्टर एक्ट के तहत कितनी संपत्ति जब्त की गई उसका भी चिट्ठा पूरा हमने आपके लिए तैयार किया है। देखिए 414,92,46,350 रुपए की ये जो संपत्ति है उसको जब्त किया गया। और ये जो पूरी कार्रवाई है ये अतीक गैंग के खिलाफ हुई है। अवैध कब्जों का ध्वस्तीकरण देखिए 751,52,96,000 रुपए का ठेका टेंडर और अवैध काम पर कितनी चोट पहुंची देखिए 1200 करोड़ की पूरी चोट या अतीक गैंग पर यह कार्रवाई के तहत पहुंचाई गई है। और अब आपको यह बताते हैं कि अतीक की कुल संपत्ति का कितना नुकसान हुआ। तो देखिए ये रकम जो है ये जो फिगर है ये बहुत बड़ी है 2368 करोड़ की कुल संपत्ति का नुकसान और ये अतीक की संपत्ति है जिसको इतना बड़ा नुकसान पहुंचा है। और देखिए ये केवल अतीक गैंग पर ही नहीं बल्कि मुख्तार गैंग पर भी कानून का हंटर चला है। उसका भी पूरा चिट्ठा हमने आपके लिए तैयार किया। देखिए कितनी कार्रवाई हुई 284 गैंग की कार्रवाई हुई है 178 इस पूरे मामले में गिरफ्तारी की गई है 71 हिस्ट्री शीट खोलने की कार्रवाई इस पूरे मामले में हुई है। इसके अलावा गुंडा एक्ट के तहत देखिए बड़ी कार्रवाई 66 लोगों पर शस्त्र लाइसेंस कितने रद्द किए गए 167 शस्त्र लाइसेंस रद्द किए गए 40 को जिला बदर कर दिया गया। और गैंगस्टर एक्ट के तहत कितनी संपत्ति जब्त हुई है मुख्तार गैंग पर उसकी आप एक बार फिगर ये देखिए 290,73,04,322 की ये संपत्ति जब्त की गई। अवैध कब्जों का कितना ध्वस्तीकरण हुआ ये रकम देखिए 282,90,16,210 रुपए। इसके अलावा ठेका टेंडर अवैध काम पर कितनी चोट पहुंची ये रकम देखिए 212,242,432 रुपए की। इसके अलावा मुख्तार की कुल संपत्ति का कितना नुकसान पहुंचा है ये रकम भी बहुत बड़ी है 800 करोड़ की कुल संपत्ति का नुकसान पहुंचा है। तो लगातार इस तरीके से कार्रवाई यूपी में अब अपराधियों के खिलाफ देखने को मिल रही है। एबीपी गंगा खबर आपकी जुबान आपकी।